हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनवरी 2020 का सी प्रोग्रामिंग का पेपर सॉल्व करेंगे और सिर्फ इसके फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का है, केवल उसे सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेडर फाइल इन सी। मतलब सी लैंग्वेज में इनमें से कौन सी एक इनवैलिड हेडर फाइल है जो सी प्रोग्रामिंग में होती नहीं है। math.h ये होती है, इसमें मैथ्स के फंक्शन होते हैं। string.h ये भी वैलिड है, इसमें स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। cType.h ये भी करेक्ट है, इसमें कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। ये जो matheo.h है, matheo.h गलत है, कोई भी इस नाम की कोई फाइल नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ सी। इनमें से सी में कौन सा एक कीवर्ड नहीं होता। ऑटो ये होता है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का होता है। ब्रेक ये एक स्टेटमेंट है जो किसी लूप को इमीडिएट ब्रेक करने का काम करता है, करेक्ट है ये भी। केस ये हम लोग स्विच में यूज करते हैं, तो इसलिए ये भी वैलिड कीवर्ड है। लेकिन फंक्शन नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन। इस नाम का कोई कीवर्ड सी लैंग्वेज में नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज, इट ऑलवेज एंड्स विद। कह रहे कि स्ट्रिंग जो होती है ना, वो कैरेक्टर एरे होती है। तो ये कैरेक्टर एरे हमेशा कौन से कैरेक्टर पे खत्म होती है। अब स्लैश एन ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ये नहीं होता। स्लैश टी ये भी नहीं होता क्योंकि ये टैब के लिए है। स्लैश वन ऐसा कोई होता ही नहीं है कैरेक्टर, ठीक है, तो ये इनवैलिड है। लेकिन इनमें से किस पे खत्म होता है, स्लैश ये जो जीरो होता है इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। और हम पहले से जानते हैं कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं, एरेज होती हैं, उनके एंड में लास्ट इंडेक्स पर एक नल कैरेक्टर ऐड होता है जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा इंटीजर कांस्टेंट है। ओके, तो इंटीजर कांस्टेंट का मतलब देखिए 3.145 ये फ्लोट है, क्योंकि इसमें 0.145 आ गया है, इसलिए ये कैसा है, फ्लोट। 125, लेकिन इसको हमने डबल कोट्स में रखा हुआ है, तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है। ओके, डबल कोट्स में जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। 34 ये एक इंटीजर है और ये वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 34 हो जाएगा। मतलब ना ही उसमें कोई फ्लोट वैल्यू हो, कोई फ्लोट पार्ट हो नंबर का, और ना ही वो स्ट्रिंग हो, तो हमारे पास ये सब वैलिड अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्टैंडर्ड आंसी सी रिकॉग्नाइजेस। स्टैंडर्ड आंसी, देखिए सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आंसी नाम की एक संस्था है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने एक सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बनाया कि भाई सी के जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे या सी की जो भी प्रोग्रामिंग होगी किस स्टैंडर्ड पे होगी, तो उसके उसके लिए आंसी नाम की संस्था ने, शॉर्ट में बोलते हैं आंसी, इस नाम की संस्था ने एक स्टैंडर्ड बनाया। अब इसके स्टैंडर्ड में टोटल कितने कीवर्ड्स आते हैं, कितने कीवर्ड्स को ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, तो याद रखिए इसका आंसर है 32। आंसी के यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड में टोटल 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में पहचाने जाते हैं, इसका आंसर 32 हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द ओनली फंक्शन दैट ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन। इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो सभी प्रोग्राम्स में, सभी सी के प्रोग्राम्स में होना जरूरी है। तो कौन सा है, स्टार्ट ये तो नहीं होता है, सिस्टम भी नहीं होता है, स्कैनफ जरूरी नहीं है कि हो, मेन, इसका आंसर हो जाएगा मेन। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो कि सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं, सी के प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना जरूरी है। सी का कोई भी प्रोग्राम मेन के अंदर ही लिखा जाता है, उसके सारे कोड्स, उसके सारे फंक्शंस, कॉल सब मेन के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मेन फंक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द आउटपुट, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट ज्ञात करें। अब इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। void main, main के अंदर आए कैरेक्टर टाइप की एक एरे ले ली है, तो ये कैरेक्टर है याद रखे। अब इसमें क्या आ रहा है, ए बी सी डी, इस एरे में टोटल 4 इंडेक्स हैं और हर इंडेक्स में एक कैरेक्टर वैल्यू पड़ी है ए बी सी डी। हमने एक दूसरा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लिया जिसका नाम है ट्रिपल पी, ओके, और हमने इसको एड्रेस दे दिया ए का, और ए के जीरो इंडेक्स मतलब पहले वेरिएबल का एड्रेस हमने किसको दे दिया, ए को दे दिया, राइट। अब हमने क्या किया, पॉइंटर, अब देखिए स्टार भी लगा हुआ है और प्लस प्लस हमने आगे लगाया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, हमने ये लिखा, उसके बाद प्रिंट एफ में हमने क्या प्रिंट कराया, फिर से इस बार स्टार और ट्रिपल पी के बीच में प्लस प्लस लगाया, और माइनस माइनस इस बार हमने कहां लगाया, स्टार के भी पहले, तो तीन अलग अलग जगहों पर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम इन तीनों फेजेस को समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, वैल्यू रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पॉइंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट तो हम ले रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस जो ऑपरेटर है उसको हमने एस्टरिस्क सिंबल के भी पहले लगाया है, माइनस माइनस भी पहले लगाया है, जिसका क्या मतलब है, इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी वेरिएबल, मतलब जो ऑर्डिनरी वेरिएबल है इस पॉइंटर के पास, जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अब इसका सेकेंड फेज, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने प्लस प्लस किया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाया है लेकिन पॉइंटर के आगे, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट इन द एड्रेस दैट पॉइंटर कंटेंस और डिक्रीमेंट इन द एड्रेस दैट पॉइंटर कंटेंस, मतलब पॉइंटर के पास जो एड्रेस है वेरिएबल का उस एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, मतलब पॉइंटर उस वेरिएबल से अगर एरे है तो नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा या फिर उसके एड्रेस में चेंजेस हो जाएंगे, एड्रेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। तीसरा फेज क्या है कि अगर हम एस्टरिस्क सिंबल और पॉइंटर नेम के बीच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा दें तो क्या होता है, तब भी देखिए क्या होता है, इंक्रीमेंट इन द एड्रेस दैट पॉइंटर कंटेंस और डिक्रीमेंट इन द एड्रेस, मतलब ये जो सेकेंड वाला फेज है, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन और फिफ्थ और सिक्स, ये दोनों सेम हैं, ठीक है, इनमें जो चेंजेस होते हैं वो सेम हैं, चाहे आप पॉइंटर को लास्ट में लगाएं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लास्ट में लगाएं पॉइंटर के, या फिर आप एस्टरिस्क सिंबल और पॉइंटर नेम के बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं, बात एक ही है, दोनों केसेस में उसके एड्रेस में ही चेंजेस होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारे पास एक एरे है ए, जिसके अंदर ए बी सी डी 4 इंडेक्सेस पे 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, ओके। अब एक हमने पॉइंटर लिया ट्रिपल पी नाम का और इसको ए ज़ीरो यानी पहले इंडेक्स का एड्रेस दे दिया हमने। अब चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो ए ज़ीरो वाला इंडेक्स है इसका एड्रेस है 1006, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1006, तो ये एड्रेस ट्रिपल पी के पास चला गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम प्लस प्लस लास्ट में लगाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीमेंट एड्रेस में होता है, इंक्रीमेंट किस चीज़ में होता है, एड्रेस में होता है। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है ये वाली ट्रिपल पी प्लस प्लस, ये मैंने यहाँ पे लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, तो जब 1006 में इंक्रीमेंट होगा तो उसका एड्रेस हो जाएगा 1010, राइट। ये केवल एक एग्जांपल के लिए है ये जो एड्रेस मैंने लिया है। अब सेकेंड लाइन कहती है, प्रिंट एफ वाली लाइन कहती है, दो बार हमने कैरेक्टर्स प्रिंट कराए और एक में हमने इंक्रीमेंट बीच में लगाया है और एक में इंक्रीमेंट हमने एस्टरिस्क सिंबल के भी पहले लगाया है। अब आप याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंक्रीमेंट बीच में लगाते हैं, मतलब एस्टरिस्क सिंबल और पॉइंटर नेम के बीच में लगाते हैं, तो भी एड्रेस में चेंजेस होते हैं, एड्रेस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, मतलब ये और ये दोनों सेम हैं, लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एस्टरिस्क के भी पहले लगा दें तो फिर एड्रेस में चेंजेस नहीं होते, एड्रेस वही रहता है, केवल उसकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं, ओके। अब यहाँ एक याद रखने वाली बात ये है, ये जो प्रिंटेव वाला स्टेटमेंट है
इसका इवेल्यूएशन स्टार्ट होगा राइट साइड से। तो राइट साइड में सबसे पहले क्या है, माइनस माइनस एस्ट्रिस्क ट्रिपल पी, मतलब कि माइनस माइनस पॉइंटर। तो पहले इसको हम इवेल्यूएट करेंगे। हम कहाँ पर हैं, हमारा एड्रेस है 1010, मतलब हम पहले से ज़ीरो से कहाँ पर आ गए हैं, सेकंड पे, यानी बी पर। तो अभी हम कहाँ पर हैं, बी पर, बी पर हैं। और हमने जब इसको इवेल्यूएट किया माइनस माइनस ट्रिपल पी, तो क्या हुआ, केवल वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, एड्रेस वही रहेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस पॉइंटर की, वो हो जाएगी वापस से ए, राइट। वापस से जब ए हो गई है यहाँ पर, तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। अब राइट साइड से फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर आए। अब देखिए एड्रेस तो वही है, मैंने कहा कि एड्रेस में चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ वैल्यू में चेंजेस हुए। तो एड्रेस अभी भी 1010 ही है, यानी पॉइंटर हमारा यहीं पर है, लेकिन उसने प्रिंट पहले वाले को किया है सिर्फ वैल्यू को। एड्रेस वही है, हमने फिर से कहा है एस्ट्रिस प्लस प्लस ट्रिपल पी, यानी कि इस बार फिर से, मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, इसका मतलब इसमें भी एड्रेस में ही इंक्रीमेंट होगा। तो हम बी वाले इंडेक्स पर थे, सेकंड इंडेक्स पर, जब हमने एस्ट्रिस प्लस प्लस ट्रिपल पी किया, तो हम इंक्रीमेंट करके कहाँ पहुँच गए, नेक्स्ट, यानी तीसरे इंडेक्स पर। तो यहाँ पर इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 1014, मतलब सी वाला पार्ट, थर्ड इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सी। तो फाइनली इसका आंसर होना चाहिए सी स्पेस ए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सी कॉमा ए वाला। यस, देखिए पहला जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, यही हमें मिल रहा है, ये है सी कॉमा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमें आउटपुट ही ढूंढना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सी एच, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई। सी एच को हमने वैल्यू दे दी जी, ओके। हमने कहा आई जो कि एक इंटीजर है, आई इक्वल टू सी एच माइनस ए। अब यहाँ पर हमको दिया गया है आस्की वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई एक इंटीजर है, तो इसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। सी एच की वैल्यू क्या है, जी। जी की आस्की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की आस्की वैल्यू होती है 71, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है 65। नीचे हमें लिखना क्या है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सी एच माइनस ए, ओके। सी एच की वैल्यू जी है, सी एच माइनस ए का मतलब हुआ है 71 माइनस 65, और आप जानते हैं 71 माइनस 65 का रिजल्ट क्या होगा, 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6, देखते हैं इसमें कोई है कि नहीं। यस, तो 1.8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू व्हाइल लूप गारंटीड लूप। तो हम जानते हैं मिनिमम एक बार गारंटी होती है डू व्हाइल लूप के एग्जीक्यूट होने की, तो डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो गारंटीड चलेगा ही चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। सी लैंग्वेज में कौन सा प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है, ऑटो ये तो होता है, ऑटोमेटिक, स्टैटिक ये भी होता है, एक्सटर्न ये भी होता है एक्सटर्नल के लिए, डेक DEC इस नाम का कोई भी स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में नहीं होता। टोटल 4 स्टोरेज क्लास होते हैं, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। डेक नाम का कोई स्टोरेज क्लास नहीं होता, इसका आंसर ये हो जाएगा डेक। तो ऑब्जेक्टिव तो पूरे हो गए, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। पहला क्वेश्चन कहता है इन सी अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर सेम। सी लैंग्वेज में अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स ये सेम होते हैं, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन वेयर एज डबल इक्वल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, जबकि डबल इक्वल जो होता है ये कंपैरिजन के लिए होता है। ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है और इक्वल जो है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। डिफाइन का मतलब होता है
कि किसी फंक्शन की बॉडी को हम लिख सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम किसी फंक्शन की बॉडी आउटसाइड फंक्शन लिखते हैं, ना ही किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन स्विच स्टेटमेंट द डिफ़ॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल। अब स्विच में डिफ़ॉल्ट एक केस होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है। ये करेक्ट होगा, स्विच में डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो दे सकते हैं और अगर छोड़ दें तब भी आपका स्विच जो है वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एस टी आर एल ई एन फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू। एस टी आर एल ई एन, याद कीजिए, स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि एस टी आर एल ई एन होता है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है और रिटर्न कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट। इसका आंसर भी करेक्ट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्विच में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो स्विच जो है वो कंटिन्यू को इग्नोर कर देगा, ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक मीनिंग ऑफ द सी कीवर्ड कैन बी चेंज्ड। सी कीवर्ड्स में जो उनका मीनिंग होता है, उनका जो मतलब होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 फॉल्स है, उसका जो मतलब है, उसका जो वर्क है, वो पहले से डिफाइन कर दिया गया है। हम उसका मतलब, उसका काम चेंज नहीं कर सकते, वो रिजर्व वर्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, ओके, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, दोनों मेथड से कॉल किया जा सकता है, ये ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द ऑपरेंड बाय 1 वेयर एज द माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स इट बाय 1। मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड में से, ऑपरेंड की वैल्यू में से एक बढ़ा देता है, और माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू में से एक कम कर देता है। ये सही है, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हैश डिफाइन लाइन्स शुड बी एंड विद अ सेमी कॉलन। हैश डिफाइन क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक, जो मैक्रो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं और इनके लास्ट में कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगता। कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो, हैश से लिखा जाने वाला कोई भी कीवर्ड जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वो सेमी कॉलन से एंड उसका नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं मैचिंग कॉल्स पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है, गो टू स्टेटमेंट की मदद से हम प्रोग्राम के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप कर सकते हैं और ये अनकंडीशनल होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गो टू, ये जे वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दैट कंकेटनेट स्ट्रिंग्स। कंकेटनेट का मतलब ज्वाइन करना, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को मर्ज करना, इस टास्क को हम कंकेटनेट कहते हैं। कंकेटनेट के लिए एस टी आर सी ए टी फंक्शन होता है जो जोड़ने का, मर्ज करने का काम करता है। देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं, यस, इसमें आई वाला जो पार्ट होगा ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इट इज यूज्ड टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। कौन सा ऑपरेटर या कौन सा सिंबल दो अलग अलग एक्सप्रेशन को लिंक करने का, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉमा। कॉमा दो अलग अलग एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए बीच में लगाया जाता है। एक्सेल में हम इसको यूनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमा। फोर्थ कहता है, सिंबल इक्वल। अब इक्वल सिंबल क्या है, हम ध्यान दें कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी मदद से राइट साइड में लिखी गई एक्सप्रेशन या किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे लिखे गए एक सिंगल वेरिएबल के लिए असाइन कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिया है। एग्जिट कंट्रोल्ड, एंट्री कंट्रोल्ड, एक तो हमें मिल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन हम देख लेते हैं अभी और भी कि कोई ऑप्शन और तो नहीं मैच कर रहा जो इससे भी क्लोज हो। नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी वाला पार्ट, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट कहता है, गेट डब्ल्यू। गेट डब्ल्यू एक फंक्शन है जो हम फाइल में यूज करते हैं, फाइल प्रोसेसिंग में, और ये किसी फाइल से एक इंटीजर वैल्यू रीड करने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं,
देखिए यहाँ पे के वाला पार्ट हमको मैच कर रहा है रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा के। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंट एस्टिस पी। अब ये तो एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए से शुरू करेंगे, एग्जिट कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट साइज ऑफ, एक मैच किया डिक्लेयर अ पॉइंटर, बट हम और देख लेते हैं। सारे ऑप्शन आप लोग देखें, हो सकता है इससे क्लोज कोई हो। नो, इससे क्लोज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, डिक्लेयर अ पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाइल। अब वाइल क्या है, सी लैंग्वेज में वाइल एक लूप है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। टॉप से चेक करेंगे, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप शिफ्ट लेफ्ट साइज ऑफ एंट्री कंट्रोल, एक मिला ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप, वाइल जो है ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, बट देखते हैं पहले, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप, मतलब ई वाला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज अल्फा। अब ये इज अल्फा क्या है, इज अल्फा एक फंक्शन है जो कि सी टाइप डॉट एच नाम की हेडर फाइल के अंदर आता है, सी टाइप डॉट एच, ये इसकी प्रॉपर्टी बेसिक सी मैंने बताई। अब चलिए देखते हैं कि इसमें से हमें ऑप्शन कौन सा मिलता है। सो एस टी आर एल ई एन डिक्लेयर एरे पॉइंटर डिक्लेयर अ पॉइंटर, इसमें से नहीं मिला, और ऊपर चलते हैं कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन, देखिए ये मैच कर रहा है, बट बाकी भी देख लेते हैं साइज ऑफ शिफ्ट, बाकी तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला पार्ट, कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। इज अल्फा ये चेक करता है कि जो यूजर ने कैरेक्टर इनपुट किया है वो अल्फाबेट है या नहीं, ठीक है, तो अल्फाबेट चेक करने के लिए इज अल्फा फंक्शन का यूज करते हैं, तो इज अल्फा कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डू व्हाइल। अब डू व्हाइल क्या है, ये भी एक लूप है जो कि एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हमें मिलता है। देखिए पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, डू व्हाइल क्या है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये एक ऑपरेटर बना के दिया है। अब सी लैंग्वेज में ये एक शिफ्ट ऑपरेटर होता है और ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है, हम किसी दिए हुए वेरिएबल को लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलता है। या देखिए सेकेंड ऑप्शन हमें मिल रहा है शिफ्ट लेफ्ट, तो वो जो ऑपरेटर है वो शिफ्ट लेफ्ट ही तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट। तो मैचिंग कॉल्स पूरे हो गए हैं, अब लास्ट में एक बचते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज वॉज इम्प्लीमेंटेड एट द, सी लैंग्वेज को कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, तो देखिए AT&T कंपनी की एक लेबोरेटरी थी जिसको हम लोग बेल लेबोरेटरीज कहते हैं, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यूज़ किया गया था, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा मिलता है, ओवरलुकिंग डॉट बेल, देखिए ई वाला पार्ट हमें मिल रहा है, बेल लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज इज वेल सूटेड फॉर, अब सी लैंग्वेज किस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी है, वेल सूटेड है, ठीक है, तो हम याद रखिए सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ये इस एक हम कह सकते हैं कि प्रोसीजरल टाइप की प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल है। फिलहाल हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा मिलता है, न्यू लाइन डॉट एंड तो नहीं है, स्ट्रक्चर्ड, चलिए बाकी देख लेते, यूनियन, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए वेल सूटेड है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इसका आंसर एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हमें मिल सकता है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर या एरे की लेंथ या फिर हम कहें उनका साइज डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो एरे का साइज निकालना है या स्ट्रक्चर का साइज निकालना है, सीधी सी बात है हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, है ना, तो क्या इनमें दिया है कोई साइज ऑफ ऑप्शन, ये देखिए सी वाला पार्ट दिया गया है साइज ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द हेडर फाइल, मैथ्स के सारे फंक्शन मैथ डॉट एच हेडर फाइल में होते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द मैथ डॉट एच हेडर फाइल, किधर गया ऑप्शन, ये रहा एफ, एफ वाला पार्ट होगा मैथ डॉट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डैश सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शंस फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरी, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द डैश सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर,
कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है टू लिंक फंक्शंस फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरी। फंक्शंस को सिस्टम लाइब्रेरी से कनेक्ट करने के लिए या वहाँ पर ढूंढ के एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर को कौन सा सेक्शन इंस्ट्रक्शन देता है? तो हमको पता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला सेक्शन इंस्ट्रक्शन देता है जहाँ पर हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें मिलता है। देखिए, इसमें हैश इंक्लूड या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें लिंक दिया है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लिंकिंग भी तो होती है। हमारे प्रोग्राम में जब वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो लिंकिंग भी तो होती है, राइट? तो लिंकिंग वाला जो पोर्शन होता है वो लिंक से रिलेटेड होगा, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डैश ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। कहता है कि ये वाला जो ऑपरेटर है ये कंडीशन या रिजल्ट तभी ट्रू देता है जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हो या दोनों दी हुई कंडीशंस ट्रू हों। जितने भी एक्सप्रेशंस या जितनी भी कंडीशंस हमें दी गई हैं सारी ट्रू होने पर ही इसका रिजल्ट ट्रू आता है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है? चलिए देखते हैं। वैसे एंड ऑपरेटर होता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। एक एंड ऐसे भी दिया है, लेकिन ऐसे नहीं, हम इस डबल एम्परसेंड की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। स्ट्रक्चर नेम को उसके मेंबर नेम से कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शंस में हम देखते हैं कि हमें कौन सा मिलता है। देखिए, डॉट, हम लोग जब भी स्ट्रक्चर का कोई मेंबर यूज करते हैं तो हम बीच में एक डॉट लगाते हैं, जैसे एस डॉट नेम, ई डॉट नेम, ठीक है, पी डॉट प्राइस, पी डॉट रेट, पी डॉट क्वांटिटी, पी डॉट परसेंट, इस टाइप से लिखते हैं ना। तो ये जो डॉट होता है ये कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डैश फंक्शन चेक्स वेदर द एंटर्ड अल्फाबेट्स आर लोअर केस लेटर और नॉट। ये फंक्शन, कोई एक फंक्शन जो ये चेक करता है कि जो एंटर किया गया है अल्फ़ाबेट वो लोअर केस है या अपर केस है, ये चेक करता है। कौन सा फंक्शन है ये देखते हैं। देखिए, इसमें एक फंक्शन दिया गया है इज लोअर। अब ये भी कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन है जो सी टाइप डॉट एच में आता है। इज लोअर फंक्शन ये चेक करता है दिया हुआ, अब एक्चुअली ये नहीं है कि वो अपर नहीं चेक करता, वो ये कहता है कि दिया हुआ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमें दिया गया है वो लोअर केस है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आई। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज द कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। दिस इज अ कैरेक्टर। ओके, डैश इज अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है द एंड ऑफ अ लाइन, लाइन की एंड को, और मतलब एक लाइन की एंड को और दूसरी लाइन की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कौन होता है? अब लाइन की शुरुआत कौन करता है? स्लैश एन करता है, या न्यू लाइन कैरेक्टर होता है उसे एंटर कैरेक्टर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आप लोगों ने इस सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प करेगा। हमसे जुड़े रहिए इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ओ लेवल के पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टेक केयर, थैंक यू।